हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे एनाफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन के बारे में, जो पशुओं में किन किन बीमारियों में दिया जाता है, क्या इनकी डोज रेट है, किन किन पशुओं में यह इंजेक्शन लगा सकते हैं व किन रूट से यह इंजेक्शन लगा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यदि वीडियो लंबी भी हो तो प्लीज स्किप करके ना देखें, वीडियो को प्लीज पूरी देखें। बात करेंगे इस इंजेक्शन के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो हम भेड़ बकरी, गाय भैंस, घोड़ा, ऊंट व डॉग में भी लगा सकते हैं। बहुत शानदार इसका रिजल्ट आता है। मुख्यतः यह इंजेक्शन भेड़ बकरियों के अंदर जुकाम के अंदर काम में लिया जाता है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस अवस्था में भेड़ बकरियों के जुकाम लगना आम बात है। उस अवस्था में यह इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कई बार देखा बकरियों के अंदर खांसी आती है, जुकाम होता है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं या अदर में सोजन आ जाती है, उस अवस्था में इस इंजेक्शन का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। बात करेंगे गाय भैंस के अंदर। गाय भैंस के अंदर दस्त, डायरिया बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं, उसके अंदर भी इस इंजेक्शन का बहुत शानदार रिजल्ट है। इसकी बोलस भी आती है व इंजेक्शन भी आता है, दोनों का बहुत शानदार रिजल्ट है। एक एंटीबायोटिक के रूप में यह काम में लिया जाता है। कई बार देखा है मास्टाइटिस हो जाता है, जिसे थनीला रोग बोलते हैं, उसके अंदर भी इसका प्रथम स्टेज में बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। या बात करें किसी भी प्रकार की पशु के अंदर सर्जरी हुई है, उस अवस्था में भी इस इंजेक्शन का लगाने पर बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट मिलता है। बात करेंगे डॉग के अंदर। डॉग के अंदर यदि पशु के नमूनिया हो जाए, डॉग के अंदर नमूनिया हो जाए तो उसके अंदर भी इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। डोज रेट की बात करें तो गाय भैंस के अंदर इसकी 20 ml रहेगी व भेड़ बकरी के अंदर 5 ml पर डे की डोज रहेगी। इस इंजेक्शन को हम IV IM दोनों रूटों से लगा सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।